Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Today, the print is here in Malerkotla, which is a Muslim-dominated city in the state of Punjab. So far, the city has reported one case of coronavirus. And while the whole nation is debating whether Tablighi Jamaat in New Delhi had a role to play in the spread of coronavirus, let us see what the people of Malerkotla have to say about it. Malerkotla in Punjab's Sangrur district has reported one positive case of coronavirus. This happened when a 25-year-old youth came in contact with a Tablighi Jamaat member from Delhi who had tested positive for the infection earlier. In New Delhi, a religious gathering organized by the Tablighi Jamaat on 13 to 15 March caused a heated debate across the nation. Since then, the sect has come under intense scrutiny, giving the deadly virus a communal color. Following this, incidents of violence against Muslims were reported across the country, but Malerkotla remained unaffected. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो मलेरकोटला शहर है और आसपास का सारा इलाका है, इसमें हर आदमी किसी न किसी एंगल से तबलीगी जमात से टच है। कोई भी आदमी आप देखेंगे यहाँ पर किसी न किसी एंगल से उसका जमात के साथ कहीं ना कहीं टच है। जिस बंदे को पॉजिटिव हुआ है वो भी एक मलेरकोटला का व्यक्ति है, मलेरकोटला का रहने वाला है, उसका जमात के साथ जाने की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, वो पॉजिटिव आया है, लेकिन मैं समझता हूँ वो एक मलेरकोटला का नागरिक होने की हैसियत से आया है। तबलीगी जमात की हैसियत से हम जब मानते, जब हमारे पास उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री होती कि वो जमात में गया था, मरकज़ गया था, दिल्ली गया था, जमात की किसी सरगर्मी के अंदर शरीक रहा था। यूँ तो हर आदमी यहाँ पर मलेरकोटला के अंदर ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं जमात से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी आदमी की हिस्ट्री में आप डीपली चले जाओ तो जमात के साथ कोई ना कोई टच उसका आपको नज़र आ जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस एक पॉजिटिव केस को भी आप किसी जमात से जोड़कर देखें। ये एक इंसान था और इस वायरस का कुछ नहीं पता कब कहाँ किसको लग जाए। ये तो हर अक्लमंद आदमी समझ सकता है कि ये बीमारी है, बीमारी कम्युनल नहीं होती, चाहे उसको कितना ही कम्युनल बनाने की कोशिश की जाए, बीमारी तो बीमारी होती है। इंसान से इंसान को लगती है, हिंदू से मुसलमान को या मुसलमान से हिंदू को नहीं लगती। देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ बहुत सी जगह इतने लोग इकट्ठे थे, सारे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें बहुत सी जगह इतने लोग नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। आपने एक चीज़ को फोकस कर लिया, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ? तो उस वजह से ही सर, क्योंकि गलत बात है, ये हमारे देश के लिए, इंसानियत के लिए अच्छी बात नहीं है कि एक बीमारी को हम कम्युनल करें। हमारी इस वक्त जिम्मेदारी ये है और देशभक्ति ये है कि हम सब के सब मिलकर एक जान होकर, इंसान बनकर इस बीमारी का मुकाबला करें, जब ही हम सही ढंग से इस बीमारी का मुकाबला कर सकेंगे। अगर हमने इस बीमारी को कम्युनल बनाने की कोशिश की तो फ्यूचर के अंदर हमारे देश के लिए बहुत नुकसान की चीज़ हो सकती है। नहीं नहीं मैडम, कोई भी अनबन नहीं हुआ, यहाँ पर बहुत ही अखलाक मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जिनका पॉजिटिव निकला है उनका तबलीगी जमात से संबंधता, जो दिल्ली में हुआ था तबलीगी जमात का कॉन्ग्रीगेशन, उसके बाद वो इधर आए और उसके बाद एक जो 25 साल के आदमी थे उनको फिर। हाँ ठीक है, वो पॉजिटिव निकला है, ठीक है। इससे पहले और भी तो पॉजिटिव आए हैं, उनका नाम नहीं आ रहा। ये तबलीगी जमात वालों का नाम आ रहा है कि तबलीगी जमात वाले इंसान है, सभी इंसान है, एक अल्लाह के बंदे हैं, सभी किसी को भी हो सकता है। हमारे साथ हिंदू भी रहते हैं यहाँ, मुसलमान भी हैं, हम किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करते। ये जो बीमारी है, बीमारी हिंदू के ऊपर भी आ सकती है, मुसलमान के ऊपर भी आ सकती है, गरीब के ऊपर भी आएगी, अमीर के ऊपर भी आएगी, इसका कोई पता नहीं है। ये किसी को पूछ के थोड़ी आएगी मैं तेरे ऊपर बीमारी आ रही हूँ, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते बीमारी का। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी चैनल वालों से, हम देखे ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं मुसलमानों के लिए कि भी हाँ भी वो मुसलमानों से कोरोना की प्रॉब्लम हुई, कि चीन में भी उस टाइम मुसलमान थे, कि चीन में भी जमात वाले थे, ठीक है ना, वहाँ पर तो नहीं थे ना। लेकिन हम बेनती करते हैं कि प्यार मोहब्बत से जो भी है इस प्रॉब्लम को बताएँ। कोरोना को जेब में तो इंसान लेकर घूम नहीं रहा है। आप मेरे पास आए, क्या आप मेरे पास कोरोना लेकर आए? नहीं ना, आप बात पूछने के लिए आए। Peace prevails among the people of Malerkotla. They do not see religion in a virus. However,
Life under the lockdown due to the pandemic has brought everything to a grinding halt. नुकसान यही झेलना पड़ा है कि क्या बोलता है जो उनको जानवरों को जो जानवर को दाना पानी डालना था वो तो डलता ही है, दूध जो बिकना था वो दूध बिक नहीं रहा है, जिस हिसाब से जाना था उस हिसाब से जाता नहीं है, जहाँ देना था देने के लिए जा नहीं सकते हैं, तो वही है कि जो बर्बाद हो रहा है, जो रेट था वो रेट मिला नहीं, प्रॉब्लम है। जानवरों को जो दाना पानी चाहिए था वो दाना पानी नहीं मिला। नहीं, लॉकडाउन है, रोज का रोज लेकर आते हैं, रोज के रोज काम चलाते हैं। मंडी से जब खुलती है जो टाइम मिलता है सुबह में उसी टाइम में लेकर आना पड़ता है। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है सब कारोबार बंद पड़े हैं, घरों में राशन नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं मजदूर मजदूरी करते हैं, रोज़ की रोज़ मजदूरी करके कमा के लेके आते हैं, उनके घरों में खाना नहीं है तो वो लोग हमारे पास आते हैं खाने के लिए कि हमें एक दिन का खाना दो, दो दिन का खाना दो। पुलिस बोलती है कि हम घर घर में राशन पहुँचाएँगे। हमारा ये इतना बड़ा एरिया है, कम से कम 5-6 मोहल्ले हैं, किसी में एक पुलिस वाला भी कोई आया नहीं है कि हम इनको राशन दे दें। टीवी पे सब बोलते हैं हम ये दे के जाएंगे, हम किसी को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। एडीएम साहब का नंबर भी है, अगर वो चेकिंग करने के लिए आते हैं तो वो जलील करके जाते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती है। अच्छा। खाने पीने की बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पैसे कहाँ से लेकर आएँ? सरकार बोलती है दुकानें खुलेंगी, दुकानें खुलेंगी, दुकानों पर जाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना, अगर पैसे होंगे तभी राशन लाएंगे हम भी। तो अभी आपकी सरकार से क्या अपील है? सरकार से यही अपील है कि जो गरीब हैं उनके घर में राशन पहुंचाएं। लेकिन जो रोज के कमाने वाले हैं, जैसे छोटे दुकानदार हैं, उनके कमाने का कोई भी आमदनी नहीं है इस वक्त, ना ही हमारे पास कोई हेल्प पहुँच रही है, 1 रुपए की हेल्प नहीं पहुँची, ये पूरे एरिया में किसी को कुछ नहीं मिला। हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि ठीक है, उन्होंने जो भी नियम किया है जनता की भलाई के लिए, जो भी कदम उठाए हैं ठीक उठाए हैं, पर सरकार को चाहिए कि थोड़ी बहुत हमारी हेल्प भी कर देना। तो इस इलाके में बिल्कुल नहीं, कोई हेल्प नहीं आई हमारे लिए। दिक्कत तो बहुत है भी, जेड़े हूँ कारोबार वाले नो बेले बैठे न, रोड से ही आए बैठे हैं, हूँ दसो अस करिए भी की नहीं मिल रहा। तो आप कैसे अभी घर चला रहे हैं? गैस से जड़ा होगा, चटनी ना चाहे रोटी करो चाहे दाल ना खा लो। और इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है? लगी हुई है ही, है ये लगा हुआ है ये कान को। हाँ जी हाँ, ये खाने वाली नहीं है, अगर खाने वाली होती तो पिसवा लेते। सरकार ने वैसे बहुत दुखी कराया है लॉकडाउन करके। दिक्कत तो सारी है मैडम, मिल क्या रहा है यहाँ जो दिक्कत नहीं है? कोई आया नहीं, कोई एमसी नहीं आया, कोई रजिया मैडम नहीं आई इतने आके बोर्ड लैन वास्ते। हर इंसान आंदा पूछा, किसी इंसान ने नहीं इतने आके भी कैसे गुजारा होंगे की है। इतने पुलिस सोटियाँ लेके आ जाती है, कहती है अंदर बढ़ो अंदर बढ़ो, अंदर बढ़ के की करूँगा जब अगले घर कुछ है नहीं। गरीब आदमी कोई सात तो भी गरीब है, किसी तो असी भी गरीब हाँ। और सानू पता है उस ठीक है, कारोबार तो चलाने चाहिए ने, या सरकार अपने वालों कोई दवे गुजारा दवे 1000 2000 या कोई राशन भेजे, कुछ तो भेजना चाहिए सरकार नो। हाँ जिन्हें मिलता वो आप ही रख लेंगे, जो गरीब बंदे उन्होंने कुछ नहीं देंगे। साड़ी अपील सानू है, सानू गुजारा दे, सानू खाना दे, साढ़े कि 4 महीने का रखे, सानू कोई दिक्कत नहीं है, सानू खाना दे सरकार। एक्चुअली लोग पैनिक थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं कि जैसे स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मेडिसिन को, जिनकी रेगुलर चल रही है, कोई शुगर की चल रही है, ब्लड प्रेशर की चल रही है, तो वो ज़्यादातर स्टॉक कर रहे हैं कि उन्हें ऐसे है कि पता नहीं कितने महीने ये और चलेगा, तो उस वजह से पेशेंट्स को दिक्कत तो आ रही है। एंड उसके अलावा साइकेट्री पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, साइकेट्री पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप चाहे कह लो कि मे बी शायद वो घर पर बैठ के ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं कि हमें इनकम नहीं है या कोई सोर्स नहीं बन रहा या अलग से टेंशन था, उस वजह से कह लो, तो उस वजह से साइकेट्री पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैम ऐसे है कि वो जो एक दिन की सेल होती है वो तो बिल्कुल इंक्रीज है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर डेज, बट अगर आप देखेंगे उनको डिवाइडेशन करके तो बट ऑब्वियस लॉस तो है मैम, कहीं ना कहीं लॉस तो है। अब अगर जैसे जो रोज सेल होनी थी वो तो अब नहीं हो रही है, 3 दिन शॉप बंद रहती है, 1 दिन खुलती है, तो आप उस एक दिन में 4 दिन कवर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं हो सकते, तो बिजनेस लॉस तो है, बट अगर देखा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ बहुत ऐसा हो गया वैसा हो गया, ज़्यादा पैनिक करने की भी बात नहीं है, जितना लॉस हो रहा है उसको कवर अप तो किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है।
As people in the city try to cope with the crisis with limited food and water, the community is pulling together, even if they sometimes forget the basic norm of social distancing. ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਕੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਅਭੀ ਨਾ ਨਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ 12 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰਾਂ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਅਸੀਂ 10-10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਬਣਾਉਣ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਪਰ ਦੋ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੋ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੋ ਜਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੋ ਜਣੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਬ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਹਨ ਤੋ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਜ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ये मिड डे मील सिस्टम है इन्होंने ये ऐसा एक प्लान बनाया है भी जिनके पास खाना नहीं जा रहा भी उनको हम जितना भी हो सके थोड़ा सा जितना भी हो सके भी उनके पास खाना जा पहुंचना चाहिए ये राशन सार जितने यहाँ पे कम 20 परिवार हैं यहाँ पे 20 परिवार जिनको जितना डोनेट करना था ना उन्होंने कर दिया सब ने रल मिल के किया है ये एवरी ईयर Sahara Muslim Welfare Society in Malerkotla organizes a blood drive. To make sure there is no shortage of blood during the lockdown, the members of the welfare society organize a blood donation drive to make sure blood banks do not go empty. This year, the drive was organized in Civil Hospital of Malerkotla. जब लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति पैदा हो गई, तो ब्लड के लिए बड़ा मसला पैदा हो गया पहले आदमी कहीं ना कहीं से ब्लड अरेंज कर लेता था यहाँ नहीं मिला संगरूर चला गया पटियाला चला गया लुधियाना चला गया लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से आना जाना ख़त्म हो गया इसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा मसला खड़ा हो गया कि ये जो रूटीन के पेशेंट्स को जो ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है ये कैसे पूरी हो इस सिलसिले के अंदर हमने शहर में लोगों से अपील की और हमारी एक संस्था है सहारा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वो पहले से भी इस काम को करती आ रही है उस संस्था ने आगे बढ़कर इन हालात के अंदर इस जिम्मेदारी को संभाला और यहाँ पे जितने भी ब्लड डोनेट करने आते हैं वो किसी एक कम्युनिटी के हैं या फिर अलग अलग जब आपने अपील की थी देखिए ज़्यादातर तो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई कम्युनिटी वाइज है और लोग भी आते हैं उनकी भी शिरकत होती है चाहे 20% हो चाहे 10% हो ये कोई कम्युनिटी वाइज नहीं है ये इंसानियत के लिए है और थोड़ा सा हमें यहाँ पर लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति को देखना पड़ रहा है अगर हम लोगों से अपील करते तो वो रोज़ाना भी हमें 100 की तादाद में मिल सकते थे लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू के अंदर हम कोई भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते इसलिए हमने ये सिस्टम बनाया है कि 2-3-4 से ज़्यादा रोज़ाना हम लोगों को नहीं इजाज़त देते कि आप ब्लड डोनेट करो और इससे ज़्यादा अभी ज़रूरत भी नहीं है जितना हमारे पास कलेक्शन हो गया है तो इस लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति को सामने रखते हुए रूल्स को फॉलो करते हुए इस सिस्टम को लेके चलना थोड़ा आम सालों के मुकाबले में डिफरेंट है लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हम कामयाबी के साथ इसको कर रहे हैं हमने पहले ही कह रखा है लोगों से कि किसी को किसी भी तरह का कोई सिम्टम है बीमारी है वो ब्लड डोनेट करने के लिए ना आए इसलिए हमारे पास वही लोग आते हैं जिनको किसी किस्म का सिम्टम नहीं पाया जाता और अगर ऐसा कोई मसला होगा किसी को कोई सिम्टम पाया जाएगा तो मेडिकल स्टाफ जो भी कहेगा उसके हिसाब से हम करेंगे भी हमारे यहाँ थोड़ा सा कोरोना कर्फ्यू के कारण ब्लड में बहुत कमी आ रही थी हमारे पास ब्लड डोनर नहीं आ रहे थे डेली रूटीन में हमारे कोई कैंप ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से तो हमारे मैम ने सहारा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन से बात की इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया डेली के हमारे 10-15 यूनिट है जो इशू होते हैं हमारे पास इतना ब्लड अरेंज नहीं हो रहा था पर इन लोगों ने डेली 15-20 बंदे हमको भेजे हैं डोनर एज अ डोनर जिसमें हम आम बंदों की जो आम पर्सन आ रहे डेली के पर्सन स्पेशली प्रवासी लोग होते हैं जो वो अपना डोनर अरेंज नहीं कर पाते हम उनकी हेल्प कर रहे हैं कोरोना वायरस के चलते आप डोनर को सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाता है उनको कहा जाता है कि प्लीज़ मास्क और ग्लव्स वियर करके आए और सैनिटाइजर की बोतल हमारे हमेशा मेज पे होती है और कहते हैं कि बार बार सैनिटाइजेशन यूज़ करें तो
रूटीन में हमारे पास थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, कैंसर के पेशेंट होते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं जिनमें ब्लड कम होता है वो वाले पेशेंट होते हैं। पहले तो मैंने आज सुबह नाश्ता किया, तो नाश्ता करने के बाद 10 बजे का मेरा यहाँ टाइम था, तो उस तो बाद 10 बजे तो बाद मैंने आके ब्लड दिता, तो मैंने कोई कमी नहीं महसूस हुई, बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ। तो लगातार मैं अपनी बॉडी के 20-21 बार ब्लड दे चुके हाँ। हाँ, साढ़े सहारा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का हर साल विशाल मैगा कैंप लगता है, जिद्द असी 100 to 150 यूनिट हर साल इस्लामिया सीनियर सैकेंडरी स्कूल के दें, तो वह आही महीने के लॉकडाउन की वजह करके असी मतलब ब्लड कैंप नहीं लगा सके, तो सानू अज लोड़ सी सिविल होस्पिटल के अपना डेली ब्लड कैंप ला रहे हैं जिद्द 10 to 15 यूनिट असं डेली देंगे हाँ। After talking to a lot of people and residents here in Malerkotla, the Print has learned that the people are under distress and their business is suffering, and they complain that the government or the Punjab government is not helping them in providing essential commodities, and whatever the government has provided so far is not useful. For the Print, this is Urjita Bharadwaj with my colleague Tarun Deol in Punjab.